वेलकम टू मैथ क्लास चैनल। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और ये नंबर है, क्या करेंगे जब भी स्क्वायर रूट फाइंड करना हो ना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, एक द्विन मेथड होता है। जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं ना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो जो नंबर गिवन होता है ना उसके हम पहले प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे राइट करते हैं, और उस नंबर को राइट करते हैं और यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स उसके फाइंड कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के रूल जो है वो ये होता है कि सबसे पहले ना हमने यहाँ पर देखना होता है कि जो नंबर है वो टू से डिवाइड होता है कि नहीं। अगर टू से डिवाइड होता है तो हमने यहाँ पर टू ही लेना है, टू से नहीं होता तो थ्री से देखना, थ्री से नहीं होता तो फिर फाइव पे मत जाना है, और फाइव से नहीं होता इसी तरह आगे तब जाना है। अगर वो टू से होता है तो टू ही लेना है यहाँ पर। तो ये नंबर टू से डिवाइड हो रहा है, कैसे मुझे पता? डायरेक्टली डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू के अकॉर्डिंग वो ये होता है कि जिस नंबर को चेक करना है डायरेक्टली कोई नंबर टू से डिवाइड होता है कि नहीं, तो उस नंबर का लास्ट डिजिट चेक कर लो। जैसे इस नंबर का लास्ट डिजिट जो है हम अभी चेक करते हैं, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट जीरो या टू या फोर या सिक्स या एट, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट इनमें से हो तो वो नंबर टू से डिवाइड हो जाता है। तो इस नंबर का लास्ट डिजिट जीरो है, इसमें से है, तो ये नंबर टू से डिवाइड हो जाता है। तो हम यहाँ पर टू ले लेते हैं। टू कितने टाइम टू होता है? वन टाइम। टू कितने टाइम फोर होता है? टू टाइम। ज़ीरो का ज़ीरो, और टू कितने टाइम हंड्रेड होता है? फाइव टाइम। आप ये भी कर सकते हो, डायरेक्ट कैलकुलेटर पर इसको राइट करो डिवाइडेड बाय टू, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे इस तरह कर रही हूँ, टू वन टाइम टू, टू कितने टाइम फोर, टू टाइम, और ये ज़ीरो आ गया। और मैं वन को सॉल्व नहीं कर रही हूँ, टू डिजिट्स को इकट्ठे कर रही हूँ, तो इसलिए उसका भी एक ज़ीरो यहाँ पर आना है। फिर टू कितने टाइम टेन होता है? फाइव टाइम, और फिर ये ज़ीरो का ज़ीरो। ठीक है, आप इसको अंदर रखो, इसको बाहर रखो, डिवाइड करके सिंपली आपके पास आ जाएगा। अगेन ये टू से डिवाइड हो जाना, बिकॉज इस नंबर का लास्ट डिजिट जीरो है, इसमें से है टू के टेबल में। अच्छा, हम स्टार्ट में टू डिजिट्स को कटे सॉल्व करो ना, तो ज़ीरो ना इधर आता है ना बाद में आता है, लेकिन जब मिड में कहीं जाके आप कर रहे होते हो ना, ठीक है, मतलब कहीं भी जाके कर रहे होते हैं आगे, फर्स्ट डिजिट फर्स्ट में अगर आप स्टार्ट में टू डिजिट्स को सॉल्व कर रहे हो तो ज़ीरो नहीं आना। उसके बाद कहीं पे भी आप टू डिजिट्स को कट्टे सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास ज़ीरो आना है। इसका वही कॉन्सेप्ट है जैसे आप डिवाइड कर रहे होते हो, वन वन डिजिट को उतारते जाते हो तो ज़ीरो नहीं आता ऊपर। जैसे आप टू डिजिट्स को कट्टे नीचे उतारते हो ना, तो आपके पास क्वेश्चन में ज़ीरो आ जाता होता है ना, तो वही ये बात है। आप सिंपली डिवाइड कर लो कैलकुलेटर पर या खुद कर लो, तो भी आपके पास यही आना। अगेन टू से डिवाइड कर लें, टू कितने टाइम? ट्वेल्व, सिक्स टाइम। जैसे अब स्टार्ट में टू डिजिट्स को सॉल्व कर रही हूँ मैं, तो ना ज़ीरो इधर ना इधर आएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब ये ज़ीरो वैसे आ गया, ये ज़ीरो वैसे आ गया। टू कितने टाइम? फिफ्टी होता है, ट्वेंटी फाइव टाइम। फिर जो है अब ये टू से होना नहीं, बिकॉज इस नंबर का लास्ट डिजिट फाइव है, इनमें से नहीं है, तो हम टू नहीं ले सकते, थ्री ले सकते हैं कि नहीं। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये टू से होना नहीं है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ थ्री होता है कि जिस नंबर को चेक करना है ना डायरेक्टली वो थ्री से डिवाइड होता है कि नहीं, तो उस नंबर के डिजिट्स को ऐड कर दो। सिक्स ज़ीरो ज़ीरो टू फाइव, सबको ऐड करके देखो तो क्या आता है? फाइव सिक्स सेवन, सेवन और सिक्स कितना होता है? थर्टीन। तो सबको ऐड करने पे अगर तो कुछ ऐसा नंबर आ रहा था जो थ्री से डिवाइड हो जाता होता तो पूरा नंबर भी थ्री से डिवाइड हो जाना था, लेकिन थ्री से थर्टीन डिवाइड होता नहीं है तो पूरा नंबर भी थ्री से डिवाइड नहीं होगा। थ्री से ये डिवाइड नहीं होगा, ये फाइव से हो जाएगा, बिकॉज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ फाइव होता है। जिस नंबर को देखना है कि वो फाइव से डिवाइड होता है कि नहीं, उस नंबर का लास्ट डिजिट चेक कर लो। उस नंबर का लास्ट डिजिट जीरो या फाइव हो तो वो फाइव से डिवाइड हो जाता है, तो इस नंबर का लास्ट डिजिट फाइव है तो ये फाइव से डिवाइड हो जाना है। अब डायरेक्टली वही बात है, कर लो क्या आता है नहीं पता, तो इस तरह करके कर लो जैसे मैं करती हूँ, कि जो है ना आप यहाँ पर इसको कट कर दो। फाइव के टेबल में सिक्स नहीं आता, फाइव से सिक्स से छोटा फाइव आता है। फाइव कितने टाइम? फाइव होता है, वन टाइम ये सिक्स था, हमने तो फाइव को सॉल्व किया, वन इधर शिफ्ट हो गया, वन किया टेन। फाइव कितने टाइम? टेन होता है, टू टाइम, और ये ज़ीरो का ज़ीरो आ गया। और यहाँ पर टू डिजिट्स को कट्टे सॉल्व कर रहे हैं तो एक ज़ीरो एक तो आ जाना पहली बात, और फिर फाइव कितने टाइम? ट्वेंटी फाइव, फाइव टाइम। फिर ये फाइव से हो जाना है, बिकॉज इस नंबर का लास्ट डिजिट फाइव है, तो फाइव के टेबल में ट्वेल्व नहीं आता पहले, तो हम इसको वो कर लेते हैं। फिर मैं आपको बताती हूँ, आप देखना फिर आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर फाइव के टेबल में ट्वेल्व नहीं आता, ट्वेल्व से छोटा टेन आता है, कट करके टेन बना लेंगे। फाइव कितने टाइम? टेन होता है, टू टाइम। ट्वेल्व नहीं आता, टेन आता है, हमने ट्वेल्व को कट करके टेन बनाया था, टू इधर शिफ्ट हो गया, ये बन गया ट्वेंटी। फाइव कितने टाइम? ट्वेंटी फोर टाइम, ये ज़ीरो का ज़ीरो। फाइव कितने टाइम? फाइव, वन टाइम।
अब ये हो जाना है 5 से नहीं होगा बिकॉज आपको पता चल रहा होगा इस नंबर का लास्ट डिजिट 1 है, ठीक है, ना 0 ना 5, तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, ये 7 से हो जाएगा कि नहीं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 ही होता है, हमारे पास कोई नंबर को चेक करना हो ना कि वो जो है 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो उसके लिए ये रूल होता है। रूल ये होता है कि जो नंबर है ना उसको राइट करो यहाँ पर, और जो है लास्ट डिजिट को डबल कर दो, 1 में 1 ऐड करो, 2 आ गया, 2 में से 240 माइनस कर देंगे तो 238 आ जाना, 238 डिविजिबल बाय 7 है, यस। इस तरह से सॉल्व करने पे आंसर 0 आ जाए या ऐसा नंबर आ जाए जो कि डिविजिबल बाय 7 हो, 7 से डिवाइड होता हो तो पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो यस ये डिविजिबल बाय 7 है, इसको डिवाइड करो 7 से 31 आता है, या आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करो 5 से तो डिवाइड होगा नहीं, 7 से हो जाएगा, तो 7 से डिवाइड करके आपके पास आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास क्या आ जाना है यहाँ पर, यहाँ पर देखो 7 की टेबल में 24 नहीं आता, 24 से छोटा 21 आता है, 7 कितने टाइम 21 3 टाइम, 24 तो हमने कट करके 21 बनाया, 3 इधर शिफ्ट हो गया बिकॉज 24 बनाया ना, और 24 तक कट करके 21 बनाया, 3 इधर शिफ्ट हो गया, बन गया 30, 7 के टेबल में 30 नहीं आता, 30 से छोटा 28 आता, कट करके 28 बना लेंगे, 7 कितने टाइम 28 होता है, 4 टाइम 2 इधर शिफ्ट हो गया, बन गया 21, 7 कितने टाइम 21 3 टाइम, अगेन 7 से सॉल्व हो जाना है, 7 के टेबल 34 नहीं आता, 34 से छोटा 28 ही आता है, 4 टाइम कट करके 28 बना लिया, और 6 इधर शिफ्ट हो गया, 63 7 कितने टाइम 63 होता है, 9 टाइम, फिर 7 7 टाइम और 7 1 टाइम, फैक्टर्स फाइंड हो गए। अच्छा जी, आपको अगर रूल से नहीं करना डायरेक्ट करना तो यही है कि 2 से अगर डिवाइड हो रहा है तो 2 ही लेते जाओ, कैलकुलेटर पे देखते जाओ 2 से डिवाइड हो रहा है 2 से हो रहा है, यस यस, जहाँ पे नहीं हो रहा फिर 3 से देखो, 3 से नहीं प्रॉपर डिवाइड होता तो फिर 5 से देख लो, 5 से होता तो ठीक है, नहीं हो रहा तो 7 ले लो, इस तरह से करते जाओ, ठीक है। इसलिए टाइम लगा क्योंकि मैंने आपको विद रूल समझा दी थी, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, जिस नंबर का उसको स्क्वायर रूट के अंदर राइट करो, और इसके जो फैक्टर्स हैं प्राइम फैक्टर्स उनको भी एज ए प्रोडक्ट इधर राइट कर दो, 7 4 टाइम्स है। नेक्स्ट स्टेप में अगेन राइट करते हैं और एक और काम करते हैं सेम, पेयर्स बना दो इसकी, और फिर क्या हो जाएगा, ग्रुपिंग कर दी तो 2 2 टाइम है 2 का स्क्वायर आ गया, 5 2 टाइम है 5 का स्क्वायर आ गया, 7 2 टाइम है 7 और 2 टाइम है, ये पेयरिंग या ग्रुपिंग हम 2 2 की क्यों कह रहे हैं, बिकॉज स्क्वायर रूट है, इसलिए स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, अगर आपके पास क्यूब रूट हो ना तो फिर इसमें 3 3 नंबर्स की पेयरिंग करते हैं, सारे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए, ये बाहर आ गया 2 5 7 और ये भी 7, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 into 2 10, 10 7 टाइम 70 और 77 टाइम क्या आ जाएगा 490। हम यहाँ पर करके भी देख लेते हैं, और यहाँ पर हम स्क्वायर रूट फाइंड करना था 240100 का, तो वो किसकी इक्वल आ गया 490 के, इस तरह से ये सॉल्व हो गया। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप चेक कर सकते हो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, वहाँ आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।